नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर फेस्टिवल मूड बड़ा बेहतर होता हुआ नजर आया है, स्पेशली विद द फैक्ट कि सोने में यहाँ पर मुनाफा वसूली और देखने को मिली है। कुछ यही हाल कच्चे तेल का भी है, जहाँ पर $80 के नीचे अब कारोबार है। और एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे आज यहाँ पर जीरे की, जहाँ पर उठापटक अब भी जारी है। क्या है फंडामेंटल, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, साथ ही जुड़े हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता। ब्रेक के बाद FISS के चेयरमैन अश्विन नायक से होगी बातचीत, लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ करेंगे। कल धनतेरस है और उससे पहले आज हमने सोने में गिरावट आते हुए देखी है। किस तरह की खरीदारी है सुरेंद्र जी, क्या देख रहा है बाजार और क्या ये जो गिरावट है इसका फायदा उठा रहे हैं लोग? ये गिरावट ज्वेलर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई है, क्योंकि हमने कल शाम से ही देख लिया था कि कल शाम से ही थोड़ा सा जो ग्राहकों का मूवमेंट है वो दुकानों की तरफ ज्यादा होने लगा था। आज सुबह से भी हम यही देख रहे हैं, और जिस प्रकार से कल प्राइसेस में एक डाउनफॉल आया है वो एक अट्रैक्टिव प्राइसेस लग रहे हैं, क्योंकि 60,000 के नीचे जैसे ही प्राइसेस जाते हैं तो कंज्यूमर बिल्कुल सोने की तरफ बाइंग करने के लिए दौड़ता है। और खास तौर पर अब तो फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन दोनों है, तो ग्राहकों का रुझान दुकानों की तरफ बहुत ही अच्छा है। तो हम जवेरी बाजार में थे इस हफ्ते सुरेंद्र जी, आपसे मुलाकात भी हुई थी और अच्छा खासा वहां पर क्राउड भी था, लेकिन जिस तरह से मुनाफा वसूली सोने और चांदी दोनों में आती हुई नजर आई है, बड़ी कतारें कहां पर हैं? बड़ी कतारें तो अभी धनतेरस के दिन लगेगी कल, चांदी खरीदने के लिए जवेरी बाजार में लगती है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर शॉप्स हैं जहां से लोग चांदी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक शुभ माना जाता है, उस पर्टिकुलर शॉप से ही लोग चांदी खरीदते हैं। और ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं, एक एक किलो, कई बार हमने देखा है कि 1,000 2,000 आदमी लाइन में एक साथ में खड़े रहते हैं। इसी प्रकार की सिचुएशन हम साउथ में भी देखते हैं, वहां पर भी लोग जो सोना खरीदने के लिए, चांदी खरीदने के लिए धनतेरस के दिन, कुछ पर्टिकुलर शॉप्स ऐसी हैं हर एरिया में जहां पर बहुत ही शुभ माना जाता है और लोग वहीं से जाके खरीदते हैं। सुरेंद्र जी, ऑफकोर्स कल यहाँ पर ETFs लंबे समय के लिए जारी रहेंगे एक्सचेंजेस पर, हम देखते हैं हमेशा की धनतेरस में यहाँ पर खरीदारी और बढ़ती है इस बार, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांच हमने आता हुआ नहीं देखा। आप कहेंगे बाजार उसे मिस कर रहा है? डेफिनेटली बाजार डेफिनेटली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को मिस कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जरूर आएंगे, और मेरे ख्याल से इस बार दिवाली के पहले नहीं तो दिवाली के बाद जरूर आएंगे। और यदि इस प्राइजेस में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइजेस हों। एब्सोल्युटली। एक और चीज जानना चाहेंगे, जहां तक बाजारों की बात है, फिजिकल मार्केट्स की बात है, क्या कुछ स्पेशल जवेरी बाजार या बाकी इलाकों में यहां पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हम जानते हैं कि दुकानें जल्दी खुलती हैं, कल लेट तक खुली रहती हैं, 11-12 बजे तक भी यहां पर रोशनी रहती है, क्या ये कुछ कल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? लगभग अब दिवाली तक पूरा ऐसा ही माहौल बना रहेगा। देखिए, जवेरी बाजार में दुकानें तो जल्दी खुलती है, रात देर रात तक ग्राहकी रहती है, कस्टमर हमने देखे हैं कि रात को 9-9 बजे भी कस्टमर एंट्री करते हैं दुकानों में, बिल्कुल लाइटिंग होती है, सब जितने भी ज्वेलर्स होते हैं वो अपनी अपनी स्कीम चलाते हैं, कई फ्रीबीज देते हैं, कोई मेकिंग चार्जेस पे ऑफ देता है, कई अपने पुराने कस्टमर को रुझाने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रखते हैं, कई गिफ्ट बांटे जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी तमाम स्कीमें जो होती है सिर्फ जवेरी बाजार में ही नहीं लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो रिटेल काउंटर्स है वहां पर इस प्रकार के कोई ना कोई आकर्षण रहता है ग्राहकों को, ग्राहकों के लिए। और देखिए, हमारे देश में ट्रेडिशन है कि सोना चांदी खरीदना फेस्टिवल पर, और फेस्टिवल के साथ जब वेडिंग सीजन कंबाइन हो जाता है तो नेचुरली बहुत ही ग्राहकी रहती है। और जिस प्रकार से हमने पिछले साल से इस साल सोने के प्राइसेस आते हुए देखे, पिछले साल दिवाली पे लगभग 50,500 के आसपास प्राइस थे, अभी 60,000 है, तो ऑलरेडी 20% का रिटर्न लोगों को मिल चुका है पिछले दिवाली से इस दिवाली के बीच में, तो इसी प्रकार के रिटर्न की लोग उम्मीद करते हैं। इतना रिटर्न तो नहीं लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी खासा रिटर्न लोगों को इस साल भी मिलने वाला। ऑलराइट, तो ये तो हुई बाजार के मूड की बात, लेकिन अब भावों की बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपसे ही पहले जान लेते हैं, अब यहाँ से क्या सेंस है प्राइसेस की, क्योंकि जितनी मुनाफा वसूली अब देखने को मिली है, जो दायरा है प्रोजेक्शंस का वो बढ़ता हुआ नजर आया है। कि जिस प्रकार से जो प्राइजेस थे वो $1,810 से ऑलमोस्ट $2,000 तक जब बढ़े थे तो इसमें एक वैक्यूम बना था, मेरे ख्याल से वो वैक्यूम फिलअप हो रहा है, एक कंसोलिडेशन हो रहा है,
मैं अब भी मानता हूं कि 1930 डॉलर एक अच्छा खासा बॉटम हो सकता है, 1930 से 1933 डॉलर के बीच में स्पॉट मार्केट में। लेकिन ये भी जो गिरावट आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि फेड के जब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हुआ था तब क्लैरिटी कुछ और थी, उसके बाद में अब क्लैरिटी कुछ और बनती हुई नजर आ रही है। और इनके जो जो फेड के जो अलग अलग सदस्य हैं वो जिस प्रकार के स्टेटमेंट इश्यू करते हैं उससे मार्केट काफी मूव करता है। और साथ ही साथ हमने देखा पिछले 2 दिनों से हमें कोई वॉर की जो कोई बड़ी खबर नजर नहीं आ रही है, सिर्फ वन साइडेड इसराइल की तरफ से ही पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक किया जा रहा है, कोई भी दूसरे देश इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। शायद यही 2-3 वजह है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन इट्स अ गुड साइन। यहाँ पे जो वैक्यूम है, जो 1810 डॉलर से 2000 डॉलर के बीच का वैक्यूम है वो फिलअप हो रहा है, और यहाँ पर यदि 1930-40 डॉलर पर अच्छा बेस बनता है तो अच्छी खासी खरीदारी बनती। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, सपोर्ट लेवल्स बहुत दूर नहीं है तो यहाँ से भी खरीदारी की जा सकती है। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं भारतीय बाजारों में सोने के मार्केट, सोने के भाव, और आप क्या करने की राय देंगे? महेशा, मेरे हिसाब से यस, सपोर्ट जो है वो 1947 से 1939 डॉलर के बीच में बन रहा है, विच इज अ 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिसमें जो वॉर प्रीमियम है वो निकल जाएगा अगर कोई डीएस्केलेशन होता है, डीएस्केलेशन तो नहीं बट थोड़ा सा कंटेन्ड है वॉर सिचुएशन। लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टिल देर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज बैकग्राउंड में, अभी भी मेरे हिसाब से अनसर्टेनिटीज है और कुछ भी हो सकता है आगे जाके, विच माइट बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड प्राइजेस। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइजेस नीचे आए हैं 2010 डॉलर से 1949-1950 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अगेन गो लॉन्ग, क्योंकि जो फेड का एक टेंशन था वो अभी थोड़ा सा निकल गया है, क्योंकि जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो ऑलमोस्ट 5% तक जाके वहां से थोड़े से करेक्ट हुए हैं, बट स्टिल इट इज एट अ एलिवेटेड लेवल विच विल नॉट मेक फेड कंफर्टेबल, जिसके वजह से डिसंबर में हाइक का चांसेस तो काफी कम है अभी, और शायद 2024 में भी कोई हाइक नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो फेड के साइड से जो अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ी सी निकल गई है, ये जो वॉर प्रीमियम है वो निकल रहा है गोल्ड में से, और उसी वजह से हमें करेक्टिव मूव देख रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट इज कमिंग टू अ गुड डिसेंट लेवल, सो एमसीएक्स पे भी आई थिंक 59,500-59,300 के लेवल से अगर आते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। ऊपर में भी एक कैप रहेगा जब तक कि 2010 डॉलर नहीं निकलता, जो कि डबल टॉप है, तब तक मेरे हिसाब से कंसोलिडेटिव मोड रहेगा, 2010 के ऊपर फिर वी माइट सी न्यू हाइज। ऑलराइट, तो यहाँ पर खरीदारी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। अजय, चांदी में कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली, सोना अगर 60,000 के नीचे आया है तो चांदी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, यहाँ से अगर खरीदारी करें तो किस तरह का मुनाफा देख सकते हैं? नमस्कार मुंशा जी एंड आप सभी को इन एडवांस हैप्पी धनतेरस एंड दिवाली। देखिए, चांदी की अगर बात करें तो काफी टाइम देखते हैं चांदी काफी सुस्त रहती है, लेकिन अगर पिछले दिवाली पे हम देखें तो अक्टूबर में करीबन 53,000 का भाव था और इस वक्त हम देख रहे हैं तो लगभग 17,000 के आसपास है, तो 23-24% का रिटर्न अभी तक हम दे पा रहे हैं। नो डाउट जिस ढंग से जो हम बिजनेस के नंबर्स देख रहे हैं या इकोनॉमी में, तो बेस मेटल भी अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं, तो उसका एक इंपैक्ट जरूर हमने पिछले 2-3 महीनों में देखा है। बार बार में चांदी 73-74 पे या इंटरनेशनल में 23.5 डॉलर के आसपास जाकर रुक जाती है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेम्प्रेरी मार्केट में एक गिरावट है जो 22-22.5 डॉलर के बीच में कंसोलिडेट करके आना चाहिए, बट कुल मिला के गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के नीचे ही रहनी चाहिए, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये 80 का लेवल तोड़ते हुए 72 तक भी दिखाए तो लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली चांदी के लिए बेहतरीन है, जैसे पिछले एक साल में हमने दिवाली से अभी तक देखी है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी बिग इवेंट, जो अभी टाइमिंग नहीं है, तो मुझे लगता है दिसंबर की जो एक्सपायरी है वो थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही है, जो 69,200 तक का सपोर्ट एमसीएक्स पे, जबकि इंटरनेशनल में 22-22.20 तक का लेवल हम चांदी में देखा, तो टेम्पररी पुलबैक है। और देखिए, सोना चांदी ऐसा है जब भी गिरावट आती है तो इसमें बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है कि अगले 10-12 दिन थोड़ा और सस्ता हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा मौका बन जाएगा लेने के लिए। ऑलराइट, तो स्टैगर्ड बाइंग यहाँ पर की जा सकती है, ये तो बात हुई सोने चांदी की। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और पूरे अपना व्यू भी देने के लिए। पर प्रेशियस मेटल से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर बेस मेटल्स की कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप रविंद्र इस एरिया को, और यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग पे, क्योंकि चाइना की तरफ से जो भी नंबर्स आए हैं बहुत सपोर्टिव नहीं है? वेल यस मनीषा, लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि आईएमएफ ने चाइना का जो ग्रोथ नंबर है उसे थोड़ा सा बढ़ाया है, जो कि थोड़ा पॉजिटिव है, जो ये दिखाता है कि जो स्टिमुलस पंपिंग हो रहा है
that is taking effect. Agar import export dekhe to that is not showing a good picture of the global demand. मेरे हिसाब से ये धीरे धीरे रिकवर होगा एंड बेस मेटल्स में भी आई थिंक डाउनसाइड अभी काफी लिमिटेड है. अगर कॉपर को भी देखे तो 698-97 के लेवल से फिर से 715-716 तक का एक जंप आ रहा है. हालांकि थोड़ा सा कंटेंट है मूव. डॉलर इंडेक्स में करेक्टिव मूव के वजह से भी एक सपोर्ट मिल रहा है. मुझे लगता है कॉपर एंड जिंक, जिंक फेवरेट पिक होगा. जिंक में हमें लगता है कि 232-235 तक के लेवल दिख सकते हैं अगर कोई भी इसमें करेक्टिव मूव आता है. आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. कॉपर में भी थोड़ा सा अपसाइड ही है बट आई थिंक इट विल बी कंटेन्ड इन अ रेंज. लोअर लेवल्स वुड बी अराउंड 697-696 और अपसाइड वुड बी क्लोज टू 720. अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो वी माइट सी अ शार्प अप मूव. बट ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो काफी ज्यादा बेरिश नहीं है. आई थिंक लोअर लेवल्स से हम बेस मेटल्स पर बाइंग देख सकते हैं. ऑलराइट, तो आज का दिन बहुत बेहतर नहीं लेकिन खरीदारी के मौके यहाँ पर नीचे ढूंढने को मिल सकते हैं. रविंद्र, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. ब्रेक के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शाम हम आपके लिए एक बेहद खास शो लेकर आ रहे हैं. एक ऐसा शो जो आपके निवेश से जुड़ी हर शंका का करेगा समाधान, क्योंकि इस दिवाली निवेश की रिद्धि सिद्धि से आपके जीवन में आएगी समृद्धि. तो शाम 6:30 बजे देखिए निवेश में रिद्धि सिद्धि. आपका स्वागत है. और एग्रीकल्चर कमोडिटीज की अगर बात करें तो एक कमोडिटी जिसने इस साल में काफ़ी सारी बार हेडलाइंस बनाई हैं वो है जीरा. ऑल टाइम हाईज बनाने के बाद यहां पर उठापटक अब भी जारी है. कल भाव करीबन 5% गिरे लेकिन आज उन स्तरों पर खरीदारी लौटी है. एक सवाल ये उठता है कि अब बाजार में किस तरह के फंडामेंटल्स हैं. ये जो पहले अपर सर्किट्स का दौर था और उसके बाद जो लोअर सर्किट्स यहाँ पर लगते फिरे चले गए, अब यहाँ पर किस तरह की स्थिति बन सकती है. FISS के चेयरमैन अश्विन नायक हमारे साथ हैं. अश्विन जी नमस्कार. सबसे पहले तो ट्रेड कैसे देखते हैं आप, वायदे का क्या हाल है, हाजिर बाजार में किस तरह की मूवमेंट है? नमस्कार मैम. एक्चुअली हाजिर में पिछले 3-4 दिनों से बिकवाली काफी कमजोर है और अराइवल तो लगभग न मात्र जैसी रह गई. अराइवल जैसा कुछ है ही नहीं. जो गोदाम का बिकवाली है वो भी काफी कम हो गया है. तो हाजिर का ट्रेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है लेकिन वायदे में काफी उठापटक होने के कारण ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है पूरा. अश्विन जी, काफी लोग जिनसे हम बात करते हैं उनका ये मानना है कि इस बार फ्यूचर्स ने यहाँ पर स्पॉट के बाजार के लोग जो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको हिला कर रख दिया. सही बात है क्योंकि जिस तरह से डेली 6% का जो खेल हो रहा है उस तरह के फंडामेंटल के चेंज तो कभी भी नहीं हो सकते. ये तो कोई भी आदमी मान सकता है कि भाई डेली 6% अप या डाउन दोनों में से जो भी गिनो उस तरह के फंडामेंटल के चेंज कभी भी नहीं होते हैं. अश्विन जी, ऑफकोर्स जीरा एक एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है इसलिए सरकार की बहुत बड़ी उसके ऊपर नजर भी नहीं है, इसलिए बाजारों में उठापटक भी ज्यादा देखने को मिल जाती है. लेकिन अब जो यहाँ पर स्थिति है क्या कहेंगे आप, फेयर प्राइसेस क्या थे, क्या वो 60,000 के ऊपर के थे, क्या वो अभी करंट है, कैसे आप देखते हैं बाजार? मेरे ख्याल से जो 60,000 के ऊपर थे वो भी थोड़े स्ट्रेच किए हुए थे लेकिन अभी जो 400 के आजू बाजू लाके अभी वापस थोड़ा पुल बैक हुआ है लेकिन वो डाउन साइड भी गलत ही है. और गलत थी क्योंकि जो फंडामेंटली मालों की अवेलेबिलिटी देखते हुए मेरे ख्याल से 500 से 550 का प्राइस एक फेयर प्राइस हो सकता है नया क्रॉप आने तक, क्योंकि जीरा सेंसिटिव कॉमोडिटी है, क्रॉप अच्छी आने वाली है वो प्रिडिक्शन से अभी काफ़ी लोग खुला बेच रहे हैं और उसी के कारण बाजार दब रहा है. तो आने वाले समय में अब क्या किस तरह की मांग एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि बाजार को लगता है कि एक बार दिवाली आती है फिर आगे जाके रमजान वगैरह आते हैं तो यहाँ पर एक मांग निकल के आती है. एक्सपोर्ट की स्थिति कैसी है और घरेलू बाजार में किस तरह की मांग है? घरेलू बाजार में पिछले 8-10 दिन से अच्छी डिमांड है और मुझे लग रहा है दिवाली के बाद और अच्छी डिमांड निकलेगी क्योंकि नॉर्मली दिवाली से 8-10 दिन पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह की डिमांड ज्यादा रहती है, मसालों की उतनी नहीं रहती है. फिर भी सब जगह पे स्टॉक हैंड टू माउथ होने के कारण पिछले 8-10 दिनों में भी डिमांड रही है लेकिन मुझे लग रहा है दिवाली के बाद घरेलू डिमांड और बढ़ेगी क्योंकि शादियों का सीजन है अगले 2 महीने और काफी बड़ी मात्रा में शादियों का फिगर आ रहा है, उसके हिसाब से डिमांड रहेगी. और एक्सपोर्ट में भी जो बांग्लादेश पाकिस्तान इनकी डिमांड पिछले 10-15 दिन में बाजार घटने के बाद निकली है और आगे रमजान आ रहा है उसके कारण मुझे लग रहा है अभी शायद वो रमजान की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 30-40% अभी शायद कवर कर रहे हैं और बाकी का 60% वो अगले दिवाली के बाद के जो सीजन 1-1.5 महीने में कवर करेंगे.
ओके अजय, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बाजार में जिस तरह की बातचीत है वो यही है कि पहले फ्यूचर्स में किसी ने बहुत जोर शोर से खरीदा और अब वो क्योंकि दिवाली से पहले यहाँ पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं, अपनी बुक्स यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, नीचे में फिर से खरीदेंगे, आगे फिर जाएंगे। हम सबको पता है किस तरह से यहाँ पर बाजार चलता है, लेकिन जो फिलहाल स्थिति है, किस तरह की वॉल्यूम्स, कैसा ओपन इंटरेस्ट और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए भाई, मुझे लगता है कि देखिए जैसे अश्विन भाई ने भी कहा कि 60,000 का भाव था, वो भी हम ये नहीं बोल सकते थे बहुत महंगा था या बहुत सस्ता था, बिकॉज वो टाइम पे फंडामेंटल लग रहे थे। नो डाउट ये उम्मीद जरूर थी मार्केट में करेक्शन आएगा, क्योंकि ऊंचे भाव को देखिए इस बार सोइंग तो बंपर होने वाली है, बट मुझे लगता है अभी जो भाव है 420 के या 42,000 के करीब, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव। उसमें तीन चार चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले 35 लाख शादियां है, जो CIIT की रिसेंट रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि होरेका इंडस्ट्री की डिमांड भरपूर रहने वाली है, जो दिसंबर तक सपोर्ट करेगा। उसके बाद रमजान की डिमांड, चाइनीज न्यू ईयर की डिमांड, और अगर हम नए माल आने की बात भी करें तो सोइंग डिले है, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात और MP बेल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर लेवल बहुत कम है, तो मुझे लगता है एक तो सोइंग भी डिले रहेगी और अराइवल में भी डिले आएगा। तो नया माल जो आएगा वो मार्च में आएगा, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चार महीने के लिए हमारे पास जो सप्लाई होनी चाहिए वो कट टू कट होने की वजह से मुझे लगता है करंट लेवल बहुत अट्रैक्टिव है। वापस प्राइसेस करीबन 55,000 से 58,000 का लेवल तो बैर मिनिमम दिखाना चाहिए, तो मुझे लगता है करंट लेवल पे स्टेडीली, क्योंकि जो वॉलिटिटी 6% की थी उससे मार्केट में सेंटिमेंट काफी खराब हो चुका था, बट अब मार्केट में स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो मुझे लगता है यहाँ से काफी अच्छी बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी, फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। ओके, अच्छी खासी तेजी और उसके बाद मुनाफा वसूली, लेकिन खरीदारी के मौके आप यहाँ पर फिर से ढूंढ सकते हैं, जैसे अजय जी कहा कि ये होरेका की मांग है या फिर रमजान की आएगी और बुआई में जो डिले है उन सब का फायदा हम यहाँ पर बनता हुआ भावों में देखेंगे। अश्विन जी, अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो तो बात हुई यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि आज शाम आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए खास शो लेकर आ रहे हैं आज 6:27 पे। तो दिवाली में कौन से बेहतरीन